वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए जानते हैं आज के दैनिक पंचांग के बारे में। आज दिनांक 21 अगस्त 2021, दिन शनिवार। शनिवार शनिदेव और हनुमान जी का दिन माना गया है। आज जिनका भी जन्मदिन है उनको उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनका भी विवाह का सालगिरह है उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप जितने भी हमारे YouTube चैनल पे व्रत और कथा को सुनने वाले हैं तथा पंचांग को सुनने वाले हैं, आप सभी भक्तों के ऊपर भगवान हनुमान और शनि देव का कृपा सदैव बना रहे। सभी सदा स्वस्थ रहें और सदा सुख और शांति से रहें। आज श्रावण माह शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि होगी शाम 7:01 तक। सूर्योदय सुबह 5:25 और सूर्यास्त शाम 6:19। चंद्रोदय यानी कि चंद्रमा उदित होंगे शाम 5:51 पे और चंद्रास्त यानी कि चंद्रमा अस्त होंगे दोपहर 3:51 पे। सूर्य सिंह राशि में रहेंगे और चंद्रमा मकर राशि में। यह वर्षा ऋतु है, अयन दक्षिणायन रहेगा। योग सौभाग्य योग दोपहर 12:54 तक। करण गरकरण सुबह 7:54 तक, उसके बाद विष्टिकरण। नक्षत्र की बात करें तो श्रावण नक्षत्र रात्रि 8:23 तक। दिशाशूल की बात करें तो आज शनिवार दिन होने के कारण आज के दिन उत्तर पूर्व और ईशान दिशा की यात्रा ना करें, यह लाभकारी नहीं होगा। अगर ज्यादा जरूरी हो घर से बाहर निकलना तो आज के दिन घर से अदरक उड़द की दाल या तिल खाकर बाहर निकले। इससे पहले 5 कदम पीछे चले फिर अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़े। आज शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान जी का दिन माना गया है। आज के दिन पीपल के वृक्ष में गुड़ मिश्रित और तिल मिश्रित जल डाले तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके इस दिन पीपल के वृक्ष में जल डालने से शनिदेव खास करके प्रसन्न होते हैं। और पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है, इससे सभी देवी देवता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी को उन्हें सिंदूर चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, उन्हें लड्डू का भोग लगाएं, हनुमान चालीसा सुंदर कांड आदि का पाठ करें तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। जो भी छात्र हनुमान जी का पूजन करते हैं उन्हें बुद्धि विद्या और बल की प्राप्ति होती है। शनि देव की प्रसन्नता के लिए अगर 7.5 हो या 2.5 हो इसके लिए करें शनिवार के दिन सरसों के तेल में अपना मुख देख करके उस सरसों के तेल का दान करें और शनि देव के ऊपर सरसों का तेल चढ़ाएं तो यह बहुत ही लाभकारी होता है, इससे शनि देव प्रसन्न होते हैं। तो आइए जानते हैं आज के शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त के बारे में। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:27 से दोपहर 12:17 तक। गुली कालम समय होगा सुबह 5:25 से सुबह 7:02 तक। अब आइए जानते हैं आज के राहु काल समय के बारे में। राहु काल समय की बात करें तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। तो राहु काल का समय होगा सुबह 8:38 से सुबह 10:15 तक। यह विक्रम संवत 2078 आनंद है और शक संवत 1943 प्लव। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद। आप सभी भक्तों के ऊपर भगवान हनुमान और शनि देव का कृपा सदैव बना रहे। सभी सदा स्वस्थ रहें और सदा खुशहाल रहें।